हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने हाजिर हूं और एक नए कंटेंट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको जिस टॉपिक को लेकर बात करने वाला हूं, वो बहुत ही आपका काम का टॉपिक है, बैंक फ्रॉड कॉल। जी हां, मेरे साथ भी एक ऐसा कॉल आया था और उसी कॉल को लेकर मैं आपसे ये इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरे पास एक कॉल आया था जिसमें मुझे कहा गया था कि फोन पे के जरिए मुझे कैशबैक मिला है, रिवॉर्ड मिला है, और अगर मैं उस रिवॉर्ड को पाना चाहता हूं तो मैं उस फोन पे को ओपन करके उस रिवॉर्ड को कलेक्ट करूं। तो चलिए, मजेदार एक वीडियो होने वाला है अभी और मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा कि इस तरीके का फ्रॉड कॉल अगर आपके पास भी आए तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए, हम सबसे पहले चलते हैं उस कॉल पे और आपको मैं रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, क्योंकि जब ये कॉल आया था तभी मैं समझ लिया था कि ये एक फ्रॉड कॉल है जो मुझे किया गया है पैसा लूटने के लिए। किसी फ्रॉड ने ये कॉल किया है और उसी समय मैं उस कॉल को रिकॉर्ड कर लिया था। तो उसी को मैं अभी सुनाने जा रहा हूँ और आपको उसके बाद समझाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए, कॉल को सुनते हैं और उसके बाद हम फिर से आते हैं आपके पास। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। अरे सर, बोल रहे थे आप जो सर इस नंबर से फोन पे चला रहे हैं ना, फोन पे नहीं है मेरा। हेलो हेलो सर, इसमें कैशबैक प्राप्त हुआ सर, 4,999 रुपए फोन पे में सर। तो रिसीव करना है कि कैंसिल कराना सर? कहाँ से बोल रहे हैं? मुंबई से सर। अच्छा, फोन पे कैसे कैशबैक मिला है मुझे? ये आपको फोन पे में मिला सर, फोन पे प्लान से आपको दिया जा रहा है सर, 4,999 रुपए। कैसे मिला है? क्या जी, कैसे मिला है? इसमें जो आपका फोन पे में UPI जो लिंक है, इसलिए आपको हेल्पलाइन से दिया जा रहा है सर। तो रिसीव करना कि रिटर्न करा दें सर? भेज दीजिए। बिल्कुल सर। तो देखिए, अभी आपके पास फोन पे एप्लीकेशन है ना, उसे चालू करके चेक कर लीजिए सर। रिवॉर्ड कैशबैक 4,999 रुपए बता रहा है फोन पे में। रिवॉर्ड कैशबैक? हेलो जी, फोन पे एप्लीकेशन चालू कर लीजिए। फोन पे को चालू करो जी। अरे फोन पे तो मेरा इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। इंस्टॉल नहीं? नहीं, गूगल पे है। तो 2 मिनट के लिए फोन पे इंस्टॉल करिए। आप इंस्टॉल करके कहाँ पे आप हमें कैशबैक मिलेगा बोलिए? आप इंस्टॉल करके आपको वहाँ पे 4,999 रुपए बताया जाएगा। उसके बाद वॉलेट से अपना अकाउंट में आपको ऐड कर लेना है। वॉलेट में है मेरा बैलेंस जी। वॉलेट से आपको अपना अकाउंट में ऐड कर लेना है। ठीक है, मैं डाउनलोड नहीं है। ठीक है, नहीं अभी मेरा डाउनलोड नहीं है। तो 2 मिनट के लिए डाउनलोड कर पाओगे? नहीं, मैं कॉल कटना पड़ेगा फिर, वरना मेरा इंटरनेट चालू नहीं होगा। इंटरनेट चालू नहीं होगा, ओपन नहीं होगा ना? तो अभी आपके पास डबल सिम है कि सिंगल सिम है? आपके पास डबल सिम है कि सिंगल सिम है जी? सिंगल सिम है। क्या जी? सिंगल सिम है जी। जी, डाउनलोड करिए फोन पे को। मैं आपको कब कॉल करूं सर? तो व्यूअर्स, अब तक आप जो कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे थे उसको सुन के आपको पता ही चल चुका होगा कि ये एक फ्रॉड कॉल था।
और देखिए मेरा फ़ोन पे इंस्टॉल नहीं था मैंने बताया, लेकिन मेरा फ़ोन पे ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे मोबाइल पे। और जैसे ही मैंने फ़ोन काटा और उसके साथ साथ ही देखिए इस तरह का पेज मेरे फ़ोन पे एक ओपन हो गया है, जहाँ पे देखिए रिक्वेस्टेड बाय ड्रीम इलेवन फैंटासी प्राइवेट लिमिटेड से एक पॉपअप नोटिफिकेशन मेरे पास आ चुका है, ड्रीम इलेवन एट द रेट येस बैंक। और अमाउंट आप देखिए 4,999 रुपीज़ ड्रीम इलेवन की तरफ से ये भेजा गया है, ऐसा दिखा रहा है। और देखिए नीचे पे लिखा है और लेटर और डिस लाइन, तो वो जो कह रहे थे कि हमें पे पे क्लिक करना है, जी हाँ यहाँ पे आप समझिए ये एक रिक्वेस्टेड ट्रांजैक्शन है। अगर आप किसी से पैसा मांगना चाहते हैं तो फोन पे पे एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे उस अमाउंट को लिखकर आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो अगर उसी रिक्वेस्ट पे क्लिक करें तो उतना ही अमाउंट आपके अकाउंट से बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने पे पे क्लिक किया और उसके बाद देखिए इस तरह का एक पेज आ गया है जहाँ पे देखिए सेंड टू ड्रीम इलेवन फैंटासी प्राइवेट लिमिटेड 4,999 रुपीज़ और बैंक सिलेक्टेड, और उसके बाद देखिए सेंड नीचे सेंड लिखा हुआ है। अगर आप ना समझ के ओके कर देते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से ये सारे रुपया जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, उसके अकाउंट में चला जाएगा। ये एक फ्रॉड कॉल है, आपको ये समझ लेना होगा। तो व्यूअर्स मैं अभी आपको एडुकेशन पर्पस एक लिंक क्रिएट करके दिखाता हूँ जहाँ पे मैं मेरे ही दूसरे एक अकाउंट में मनी रिक्वेस्ट करूँगा। तो कैसे वो होता है आप थोड़ा सा देख लीजिए, मैं ये एडुकेशन पर्पस बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो चलिए हम पेटीएम से करेंगे। तो पेटीएम मैं अभी ओपन करने वाला हूँ, देखिए पेटीएम ओपन हो रहा है और पेटीएम से मैं फ़ोन पे पे रिक्वेस्ट भेजूँगा। तो हम उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से ये शो होता है। देखिए पेटीएम पे हम आएंगे और उसके बाद हम आएंगे यूपीआई पे। ये देखिए यूपीआई पे आने के बाद देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट मनी और मनी ट्रांसफ़र दो ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट मनी पे क्लिक करेंगे। ये देखिए एंटर यूपीआई आईडी, तो यहाँ पे हम जो फ़ोन पे का यूपीआई आईडी है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। तो मेरा दूसरा एक अकाउंट है फ़ोनपे का, उसका यू पी आई आई डी मैं यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ। देखिए दूसरा एक आईडी मैंने एंटर कर लिया, ये मेरा ही अकाउंट है। मैं आपको जस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से ये रिक्वेस्ट हम भेज सकते हैं किसी को और इसका प्रोसेस क्या है। देखिए इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है, उसके बाद वेरीफाई हो रहा है और ये देखिए उसके बाद हम यहाँ पे अमाउंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए 1000 रुपीज़ का हम रिक्वेस्ट हम भेजने की कोशिश करते हैं। तो चलिए 1000 रुपीज़ हम भेजते हैं। देखिए कॉन्फर्म पे क्लिक करेंगे, ये देखिए रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली, एक रिक्वेस्ट भेजा गया है फ़ोन पे चला गया है। तो चलिए मैं अभी देखने वाला हूँ फ़ोन पे कि ये रिक्वेस्ट आया है कि नहीं। जी हाँ देखिए आपके सामने ही है, लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। पेटीएम से मैंने एक लिंक क्रिएट किया रिक्वेस्ट मनी का और यहाँ पे देखिए फ़ोन पे मेरा ओपन होते ही एक रिक्वेस्ट यहाँ पे आ चुका है। और मैं अगर ऐसे ही एक लिंक क्रिएट करके किसी को कहता हूँ उसको ये रिक्वेस्ट भेज के कि आपने एक लॉटरी आपको लगा है या फिर आप रिवॉर्ड जीते हैं, आप उस रिवॉर्ड को कलेक्ट कीजिए, तो आप जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपके पास वो रिवॉर्ड वो कैश बैक आ जाएगा। तो इस तरह से वो अगर ना समझ होगा थोड़ा तो
ऐसे ही उस बातों पे आ जाएगा और या उसके अकाउंट से 1000 रुपीज़ जो है वो डिडक्टेड हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए पे पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फॉलो कीजिए, ये देखिए सेंड, तो अगर हम यहाँ पे सेंड करते हैं तो क्या होगा, मेरे अकाउंट से रिसीवर यानी कि जो जिसने हमें ये रिक्वेस्ट भेजा है उसी अकाउंट पे पैसा चला जाएगा। तो ये इस तरह से ये फ्रॉड किया जाता है और ये बहुत सारे फ्रॉड ऐसे हो रहा है, तो आप यहाँ से सतर्क हो जाइए। मेरे पास जब ये कॉल आया था उसके तुरंत बाद ही मैं साइबर क्राइम डिपार्टमेंट पे कॉल किया, उससे कॉन्टैक्ट किया और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को मैंने पूरी बातें शेयर की और उन्होंने मुझे उस फ्रॉड कॉल का जो नंबर है वो नंबर मांगा और उसके साथ साथ मेरा नाम मेरा पता एसएमएस करने को कहा। तो मैंने वो ही किया, मेरा नाम मेरा पता मैंने एसएमएस किया और उसके साथ साथ वो जो फ्रॉड कॉल का नंबर है उस नंबर को भी मैंने टाइप किया और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को एसएमएस कर दिया। और आपको भी ऐसा करना चाहिए, अगर आपके पास ऐसा कॉल आए तो आप साइबर क्राइम डिपार्टमेंट पे संपर्क कीजिए, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, अगर आपने भी इसी तरीके का कोई भी फ्रॉड कॉल अगर आपके पास आए तो आप इसको इसी तरीके से रिजेक्ट कीजिएगा और स्टेप लीजिएगा इस कॉल के विरुद्ध। वीडियो पे दिए गए जो कंटेंट है उस कंटेंट के बारे में अगर आपके पास कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अगर आप चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।